हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसडीएम कैसे बनते हैं। तो अगर आपका सपना एक एसडीएम बनने का है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसडीएम कौन होता है, एसडीएम कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, एसडीएम की सैलरी कितनी होती है और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एसडीएम कौन होता है। दोस्तों, एसडीएम जिसका फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन कई राज्यों में जैसे बिहार में एसडीएम को एसडीओ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म सब डिविजनल ऑफिसर होता है। एसडीएम डीएम के अंदर काम करता है। एक जिले में सबसे ज्यादा पावर डीएम के पास होती है और इसके बाद एसडीएम दूसरे नंबर पर सबसे पावरफुल होता है। एक एसडीएम के अंदर पटवारी, तहसीलदार और बीडीओ जैसे अधिकारी काम करते हैं। तो अब आप जान गए कि एसडीएम कौन होता है। तो चलिए अब जानते हैं एसडीएम कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, अगर आपको एक एसडीएम बनना है तो आपके पास दो तरीके हैं जिससे आप एक एसडीएम बन सकते हैं। वैसे तो तीन तरीके हैं जिसमें से एक प्रमोशन का है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं एसडीएम कैसे बनते हैं। एसडीएम बनने का पहला तरीका। दोस्तों, एसडीएम बनने का पहले तरीका में सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना होगा, फिर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देना होगा और उसमें टॉप रैंक हासिल करना होगा ताकि आपको आईएएस का पोस्ट मिल सके। इसके बाद आपको डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने से पहले एक या दो साल एसडीएम के रूप में काम करने का मौका मिलता है। बेसिकली आईएएस ऑफिसर अपने ट्रेनिंग पीरियड में दो या तीन साल एसडीएम के रूप में काम करते हैं और फिर डीएम बन जाते हैं। एसडीएम बनने का दूसरा तरीका। दोस्तों, ये तरीका ही आप लोगों को अपनाना चाहिए। अगर आप एक एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना होगा और टॉप रैंक लाना होगा, जहां से आप सीधे ट्रेनिंग के बाद एसडीएम बन सकते हैं। यानी कि एसडीएम बनने के लिए आपको पीसीएस एग्जाम देना होगा और इसमें टॉप रैंक लाना होगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप एक जिले का एसडीएम बन जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं एसडीएम की सैलरी कितनी होती है और इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों, एक एसडीएम की सैलरी अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एसडीएम की सैलरी 61,500 से लेकर 72,000 तक होती है। इसके अलावा एक एसडीएम को अच्छा सैलरी ही नहीं मिलता, बल्कि बहुत प्रकार के सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे आपका जीवन आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों, एसडीएम को कहीं आने जाने के लिए एक गाड़ी मिलता है, एक पर्सनल ड्राइवर मिलता है, एक चपरासी मिलता है, एक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, एक या दो घरेलू नौकर मिलते हैं, रहने के लिए एक घर दिया जाता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी, समय समय पर छुट्टी और बहुत प्रकार के यात्रा भत्ता भी मिलता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि एसडीएम ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।